हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे ओरियो और ब्रेड से केक। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या लिया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्रेश ब्रेड लिया है, ये जो है ताजी ब्रेड है एकदम। यहाँ पे दो पैकेट हमने ओरियो लिया है, एक पैकेट और हम खोल लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ओरियो बिस्किट लिया, यहाँ पे दो हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया, थोड़ा सा हमने खट्टी मीठी वाली टॉफी ली है। तो अब बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका क्रीम निकाल लेना है, जो क्रीम है बिल्कुल अलग कर लेना है हमें इसका क्रीम। इस तरह से देखिए हमें जितनी बिस्किट पे क्रीम लगी हुई है सभी क्रीम को बिल्कुल अलग कर लेना है। बिस्किट में क्रीम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से सभी को निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए सभी बिस्किट के जो क्रीम है हमने निकाल लिया है, और क्रीम देखिए हमने यहाँ निकाल लिया है। यहाँ पे ग्राइंडर जार लेंगे, सबसे पहले हम चीनी को पीस लेंगे। चीनी को देखिए हमें पीसना है, तो यहाँ पे देखिए चीनी को हमने पीस लिया है। तो चीनी को हम जो है निकाल लेंगे, चीनी को देखिए एक कप में निकाल लेंगे क्योंकि हमें शुगर सिरप बनाना है। थोड़ा सा पहले बनाते हैं। यहाँ पे एक गिलास पानी लिया है हमने, पानी को डाल के हम शुगर सिरप बना लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हम शुगर सिरप बना लिए हैं। अब चीनी को हम रख देंगे, जो थोड़े बहुत होंगे वो खड़े से वो मेल्ट हो जाएंगे जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं केक बनाने की। जैसा कि सब लोग जानते हैं न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर पे केक ना हो किसी घर ऐसा हो नहीं सकता। तो इस बार न्यू ईयर पे केक खरीदिए नहीं, घर में ट्राई करिए, बहुत ही अच्छे केक बने होने। तो इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे जो बिस्किट हमने लिए, बिस्किट का हमें पाउडर बनाना है। यहाँ पे देखिए बिस्किट को हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिस्किट को हमने पीस लिया है। तो अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में हम निकाल लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, वो भी गर्म दूध डालेंगे। ये हल्का भुना सा दूध हमने लिया है, इस दूध को हम इसमें डालेंगे। हमें एक घोल बनानी है, लेकिन घोल जो होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध डालने के बाद देखिए बिस्कुट का जो पाउडर था उसे अच्छे से अपने मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इसे अच्छे से अपने मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हम साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने क्रीम ली है, इस क्रीम का भी हमें यूज़ करना है। आप चाहें तो इसे एक पैकेट बना के कोन जैसे होता है उस तरह का कोन बना के भी उसमें भर के कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हम कोन वाला शेप नहीं देंगे, दूसरा शेप देंगे। उसी चम्मच से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दूध हम डालेंगे, और सबसे पहले हम पहले क्रीम को इस तरह से देखिए ऐसे कर लेंगे। अभी जो क्रीम है इसके बाद क्रीम में भी हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, ज्यादा दूध हमें नहीं डालना है, बहुत ही कम दूध डालना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी उस बैटर से गाढ़ी होगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रीम को भी हमने दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे देखिए हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया है, तो चॉकलेट को सबसे पहले हम खोल लेंगे। चॉकलेट को हमें ग्रेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए छोटा वाला ग्रेटर हमने लिया है। इस ग्रेट छोटे वाले ग्रेटर से चॉकलेट को अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल दो चॉकलेट हमने ली थी बड़े साइज की, जिसमें से इतना ज्यादा हमने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा चॉकलेट हमने लिया है। इसका यूज अभी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 ब्रेड हमने लिया है। तो इसके जो साइड का पार्ट होता है हमें काट काट के निकाल लेना है। ये वाले पार्ट को हमें पकाना नहीं, आगे कोई भी रेसिपी हम बनाए या घर में कुछ नाश्ता बना रहे हैं इसके हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे साइड के पार्ट्स को निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे हम सभी का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी ब्रेड के साइड का भाग हमने निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे लेंगे हम एक प्लेट, उसके बाद जो हमने बनाया है बिस्किट का सबसे पहले इसको लगा लेंगे।
में देखिए हमने लगा दिया प्लेट में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रेड को रखेंगे, फिर इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे शुगर सिरप। थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप लगा लेंगे इस पे, ताकि ब्रेड होते हैं थोड़े नमकीन से होते हैं तो उसमें मिठास आ जाएगी। इसमें शुगर सिरप हमने लगा लिया है। उसके बाद जो हमने दूसरी क्रीम बनाई है, इस क्रीम को थोड़ा थोड़ा हम लगा लेंगे ऐसे। ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए। उसके बाद हम ये लगाएंगे, अच्छे से लगाना है। ये जो बिस्किट के बनाए हैं पेस्ट, इसे हमें बहुत ही अच्छे से पूरे ब्रेड पे लगाना है। एकदम ब्रेड कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए। मैं दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल इस तरह से एकदम ब्रेड को हमें कवर करना है चॉकलेट से। देखिए, इसके बाद फिर हम इसके ऊपर दूसरी ब्रेड लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर शुगर सिरप। ऐसे हमें डालते रहना है एक चम्मच। वाली क्रीम भी लगा रही है, एकदम अच्छे से लगानी है, बिल्कुल ब्रेड कहीं से दिखना नहीं चाहिए। ऐसे ही हम लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले भाग में हमने लगा दिया है पूरे। तो यहाँ पे जो साइड साइड के भाग है, इस पार्ट को हम उठाते हैं, देखिए तो ऐसे ये चॉकलेट लगा देंगे अच्छे से। ऐसा बोला बिल्कुल ब्रेड नहीं दिखनी चाहिए। तो ये सब जो ब्रेड दिख रहे हैं वाइट वाइट साइड से, साइड वाले पे भी हम लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड को बिल्कुल हमने कवर कर लिया है चॉकलेट से। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम लगाते हुए इसे बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे। चारों तरफ से देखिए हमने ब्रेड के स्लाइस को अच्छे से एकदम कवर कर लिया है। ऐसे देखिए, ऐसे हम पूरी तरफ लगा लेंगे ताकि ब्रेड दिखे ही नहीं। एक हम चॉकलेट वाला बना रहे हैं, ये देखिए। और इसके साइड वाला जो भाग है, किसी भी नैपकिन से या उंगलियों से इस तरह से हम साफ कर लेंगे ताकि जो प्लेट है वो क्लीन लगे। यहाँ पे देखिए पाइप बाकी का चॉकलेट जो हमें साफ करने के लिए यहाँ पे नैपकिन हमने ली है, नैपकिन से अच्छे से हम देखिए इस तरह से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से पूरे ब्रेड को कवर कर दिया है चॉकलेट से, कहीं से भी ब्रेड नहीं दिख रहे हैं। जब भी केक बनाए चॉकलेट एकदम अच्छे से लगाएं ताकि ब्रेड जो है दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने जो ग्रेट किया हुआ चॉकलेट लिया है, इस चॉकलेट को इसके ऊपर देखिए छिड़क लेंगे इस तरह से। देखिए हम चॉकलेट वाला केक बना रहे हैं, ऐसे हम बाकी के भी साइड में अच्छे से लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए केक जो हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमने थोड़ी चॉकलेट के पार्ट को बचाया हुआ था, इसका यूज देखिए हमने बताया था कैसे करेंगे। इसे हम देखिए ऐसे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हमने खट्टी मीठी वाली जेम्स ली है, मतलब टॉफी ली है। इस टॉफी से भी हम केक को अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। ऐसे देखिए लगाते हुए हम केक को अच्छे से सजा देंगे ताकि केक जो हमारा बहुत ही सुंदर दिखे। तो ये देखिए केक जो हमारा बिल्कुल रेडी है।
देखिए कितने सुंदर केक लग रहे हैं। इस रेसिपी को जरूर घर पर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छे खाने में भी लगने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। हो सके तो ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। आपसे मिलते हैं अगली रेसिपी में। धन्यवाद। तो ये देखिए कितना सुंदर केक हमने बनाया है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।